Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Kitchen with Adila। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भिंडी दो प्याजा की रेसिपी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिया गया बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो व्यूवर्स, भिंडी की पहले भी एक दो रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मसाला भिंडी और भिंडी प्याज। आज हम बिल्कुल डिफरेंट और एक न्यू बहुत ही यमी और डिलीशियस किस्म की भिंडी बना रहे हैं जिसे कहते हैं भिंडी दो प्याजा। तो दो प्याजा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो अनियन है उसकी कटिंग दो तरह से होती है और दो मुख्तलिफ जगहों पर यूज किया जाता है। तो मैंने भिंडी ले ली है, इसको मैंने प्रॉपरली वॉश किया है और इसे ड्राई कर लिया है। उसके अलावा हमने वन बिग साइज अनियन लिया है और इसे इस तरह से स्क्वायर शेप में इसकी परतों को काट लिया है। इसके अलावा वन एंड हाफ मीडियम साइज अनियन लिया है, इसको मैंने इस तरह से फाइनली चॉप कर लिया है। वन बिग साइज टोमेटो लिया है और इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे 1.5 टेबल स्पून, 2 लार्ज साइज ग्रीन चिलीज ली हैं और इन्हें मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1/2 टीस्पून राई दाना लिया है और 1/2 टीस्पून क्यूमन सीड्स लिए हैं। उसके अलावा यहाँ कुछ स्पाइसेस हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। रेड पेपर पाउडर 1 टीस्पून, हिपफुल 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर। तो सबसे पहले हम भिंडी को रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से एक एक भिंडी की हम दोनों टिप्स जो है वो रिमूव कर देंगे और इसे इस साइज के टुकड़ों में काट लेंगे। तो ये भिंडी हमारी रेडी है, अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ऑयल लिया है एक पैन में और इसे मीडियम फ्लेम पे रखा है। ऑयल जो है हमारा वो हीट हो चुका है, अब इसमें भिंडी डाल के भिंडी को फ्राई कर लेंगे। तो इसे फ्रिक्वेंटली हम चलाते रहेंगे ताकि ये तमाम साइड से प्रॉपरली फ्राई हो जाए। तो भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इसे पैन में से निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में जो अनियन हमने लिए थे स्क्वायर शेप में कटे हुए उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तो इन्हें हमने ब्राउन नहीं करना, जस्ट फ्राई करना है, हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। अब इसी पैन में राई और क्यूमन सीड्स दोनों ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसे सौते कर लेंगे। तो अनियन हमने इसी ऑयल में फ्राई किए थे इसलिए थोड़ा सा इसमें झाग आ रहा है। अब जो फाइनली चॉप्ड अनियन लिए थे हमने वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे सॉफ्ट कर लेंगे। देखिए ये सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और लाइट सा गोल्डन कलर कर लेंगे। तो ऑयल इससे ज्यादा मत डालिएगा क्योंकि जो चीजें हमने फ्राई की हैं उनमें भी ऑयल होता है, जब वो हम बाद में ऐड करेंगे तो वो भी ऑयल रिलीज करेंगी। तो ये देखिए हो गया है, अब इसमें हम जो स्पाइसेस हमने लिए थे वो तमाम ऐड कर देंगे। आप चाहे तो गरम मसाला पाउडर एंड पे ऐड कर लीजिए, मैंने यहीं पे ऐड कर दिया है। इन तमाम चीजों को हम मिक्स कर लेंगे प्रॉपरली। अब इसके साथ ही हम टोमेटोज ऐड कर देंगे और ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने वाटर ऐड किया है। मिक्स करके लो फ्लेम पे लिड क्लोज करके इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो
व्यूवर्स 5 मिनट्स हो चुके हैं, जो हमारा मसाला है वो प्रॉपरली भुन चुका है। देखिए हर चीज सॉफ्ट हो चुकी है, इसे ज्यादा हमने इसका वाटर जो है वो ड्राई नहीं होने देना। अब हम इसमें वो चीजें ऐड कर देंगे जो कि हमने फ्राई की थी, भिंडी और प्याज। देखिए एक जो फाइनली चॉप्ड अनियन है उसका हमने मसाला बनाया है, और जो स्क्वायर शेप में कटा हुआ अनियन है उसको हमने फ्राई किया है, और दोनों शेप्स पे डिफरेंट शेप में कटे हुए अनियन और डिफरेंट जगहों पे यूज हो रहे हैं, इसीलिए इस डिश का नाम भिंडी दो प्याजा है और बहुत बेहतरीन बनती है। अब हम इसे छोड़ देंगे तकरीबन 5-7 मिनट के लिए। उसके बाद देखिए 5-7 मिनट बाद भिंडी जो है वो प्रॉपरली पक के रेडी हो चुकी है, और ये मैंने चेक की है पूरी ये गल चुकी है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और डिश आउट कर लेंगे। सो द व्यूवर्स, रेडी है हमारी बहुत ही टेस्टी और यमी भिंडी दो प्याजा। जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बेहतरीन और न्यू यमी रेसिपी के साथ। सो कीप वॉचिंग किचन विद अदीला।